Welcome at KitKat Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you topic number 2, Animals and Birds, from your book Wonder of Science, published by Oxford University Press. Animals and birds classified into two groups on the basis of their having a backbone or not having one. Vertebrates. These are animals with a backbone. Invertebrates. These are animals without a backbone. आपकी बुक में आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आएगा जिसमें एनिमल्स वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट डिवाइडेड हैं। आप वर्टिब्रेट्स में देखें, वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि फिश, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिस तरह हमारे वॉर्म्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, आर्किनिड्स एंड मोलस्कस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स को, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं, हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन एनिमल्स को पढ़ेंगे और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक ऐसा जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और वो है फ्रॉग। हम फ्रॉग को डिस्कस करते हैं। तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन होता है, यानी कि वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, और ये अंडे देता है। और जो है अपने ये पानी में जो है वो अपने गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेता है, और ज़मीन पर ये अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है। और अगर हम एक दूसरे वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम एक वर्टिब्रेट मैमल्स की डिस्कस करते हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं, तो मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे नहीं देते, वो गिव बर्थ टू दियर बेबीज, यानी कि वो बच्चे पैदा करते हैं और अपने जो पैदाइशी बच्चे होते हैं वो उनको फीड करवाते हैं, यानी कि उनको दूध वगैरह पिलाते हैं, जिस तरह के काउज हो गए, गोट हो गए, टाइगर्स, कैमल्स एंड कैंगरूज वगैरह, ये सब कुछ हमारे मैमल्स में आ जाते हैं। और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, तो रेप्टाइल्स भी जो है वो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई स्केल्स से कवर होती है, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है, इनकी जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है। अगर अब हम डिस्कस हमने किया वर्टिब्रेट्स के एक क्लास को, हमने डिस्कस किया है मैमल को, डिस्कस किया है एम्फीबियंस को, डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करते हैं बर्ड्स को, कि बर्ड्स भी हमारी वर्टिब्रेट होती है, यानी कि उनकी भी रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम बर्ड्स को और उनके फीचर को डिस्कस करते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं और बीक्स होती हैं, यानी कि उनके पर होते हैं और उनकी बीक यानी कि चोंच होती है। इनके जो मसल्स, इनके जो ये विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनकी जो बोन्स होती हैं वो हल्की होती है, जिसकी वजह से वो हवा में आसानी उड़ सकते हैं। बर्ड की जो पूरी बॉडी होती है वो फीडर्स से कवर होती है, यानी कि पर से कवर होती है, और 6 मुख्तलिफ फीडर्स होते हैं, जैसे कि फ्लाइट फीडर, कंट्रोल फीडर, डाउन फीडर्स। तो हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले फ्लाइट फीडर के बारे में। फ्लाइट फीडर्स ऐसे फीडर्स होते हैं जो इनके पर और इनकी टेल पे फाउंड होती है, यानी कि इनके दोंप में पाए जाते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी मदद से जो है वो बर्ड उड़ सकती है। कॉन्डोर फीडर क्या होते हैं कि ये जो है वो बर्ड को शेप देते हैं, और जो कलर होता है बर्ड का वो कॉन्डोर फीडर की वजह से आता है, और ये हर जगह होते हैं बॉडी में, लेकिन सिवाय बीक के, लेग्स के और फीट के, ये पूरी बॉडी में होते हैं। अगर हम डाउन फीडर की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी फीडर्स होते हैं, और ये परिंदों की बॉडी को गर्म रखते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो घोंसला बनाती है, यानी कि नेस्ट बनाती है, और ये अंडे देती है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ईगल वगैरह हो गई, चील वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ऊँची जगहों पर रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, बुलबुल वगैरह जिस तरह होता है, ये अपने घोंसले जो है वो ग्राउंड पे बनाते हैं, यानी कि ज़मीन पे बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाट डू बर्ड्स ईट, के बर्ड्स खाते क्या है, बर्ड्स के देखिए टीथ नहीं होते, इनकी चोंच वगैरह होती है, और ये अपनी चोंच की मदद से जो है वो खाना खाते हैं। और हैंड्स जो है वो ग्रेन्स ईट करती है, और पैरट जो है वो फ्रूट्स वगैरह खाता है। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि सीड्स खाते हैं, बीज वगैरह खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे कि चील, जैसे किसी कोई दूसरा परिंदा हो, जिस जो दूसरा परिंदा होता है उसका जो है ये फिर मीट खाते हैं। कुछ परिंदे जो है वो इस टाइप के होते हैं। Join and learn basic concept of this topic.
Don't forget to find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your